हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आज आपको बैकग्राउंड थोड़ा अलग और नया दिख रहा होगा, तो मैंने थोड़ा अलग एंगल चूज किया क्योंकि मैं खुद एक ही बैकग्राउंड पे शूट करते करते बोर हो गई थी, इसलिए आपको ये दिख रहा है। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है शूट करते हुए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन के बारे में। इन्हें लॉन्च हुए ऑलरेडी आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए हैं, या फिर उससे पहले भी लॉन्च हुई होंगी, बट मैंने इनके बारे में पढ़ा था अराउंड 3 या 4 महीने पहले। और प्राइस वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 500 है, आई थिंक 399 इसकी प्राइस है। बट ये हर बार सेल में होती हैं, डिस्काउंट में होती हैं, कभी 370 में मिल जाएंगी, कभी 20% ऑफ चल रहा होगा, कभी बाय वन गेट वन चल रहा होगा, तो ऐसे करके ये ऑफर्स में चलती रहती हैं। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दो सनस्क्रीन है मेरे पास, ये वाली है पपाया विटामिन सी वाली और ये है वाटरमेलन नाइसिनामाइड वाली। दोनों के ऊपर मेंशन किया है कि ये है ड्यूई सनस्क्रीन, ठीक है। तो एक साइड अपन अप्लाई करेंगे ये येलो वाली सनस्क्रीन और ये अप्लाई करेंगे पिंक वाली सनस्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले मैं पिंक वाली सनस्क्रीन जो है अप्लाई करूँगी और देखते हैं इसका फॉर्मुलेशन क्या है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मुलेशन आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैमरे में, और ये एकदम वाटर बेस्ड है। आई डोंट थिंक कि ये वाइट कास्ट देगी ज़रा सा भी, मैं इसको ऑन कैमरा ही ब्लेंड करके दिखाती हूँ अभी फटेक से। ओ माय गॉड, ये ब्लेंड हो गई है पूरी ही पूरी, बिल्कुल जेल की तरह ब्लेंड हुई है, जैसे आप कोई जेल ब्लेंड कर रहे हो विद इन सेकेंड्स, ठीक है। अब हम इसको फेस पर अप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको इसका टेक्सचर दिख रहा होगा कैमरे में कि ये एकदम बिल्कुल सेकेंड्स में कैसे फेस पे ब्लेंड हो रही है विद नो वाइट कास्ट। और मैं सिर्फ बिना किसी फैन के ब्लेंड कर रही हूँ यार, मतलब मुझे स्वेट आ रहा है, ये चीज़ मुझे फील हो रही है, इसलिए थोड़ा ब्लेंड होने में टाइम लग रहा है। एंड इट्स डन, हो गई ब्लेंड ये। ओके, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग यार, मतलब मैंने इसे ऑन कैमरा ब्लेंड किया है इसलिए दिखाने के लिए कि आपको कितनी जल्दी एकदम मेस फ्री वाली सनस्क्रीन है। तो मैंने पिंक वाली लगाई है इधर और दूसरी साइड में लगा रही हूँ येलो वाली। अमेजिंग यार, अच्छा देखो ये वाली जो ब्लेंड ये वाली जो है ना येलो वाली सनस्क्रीन पपाया वाली, ये हल्का सा ब्लेंड होने में टाइम ले रही है, और आई थिंक इसमें ना थोड़ा सा नहीं वाइट कास्ट तो नहीं दिया है इस वाली ने भी। ओके, देखो वाइट कास्ट तो इस वाली ने भी नहीं दिया, इस वाली दोनों का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट मुझे ये वाली जो है ना नाइसिनामाइड वाटरमेलन वाली, ये मुझे थोड़ी जल्दी ऐसा लगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है, इसलिए ये वाली बहुत जल्दी ब्लेंड हुई। ये वाली भी हो गई, मतलब फॉर्मुलेशन में आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा डिफरेंस फील हुआ, बट दोनों सनस्क्रीन ने रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम दिया है। एक ये वाली मैंने हाथ पे ब्लेंड करके नहीं दिखाई, वाली हाथ पे ब्लेंड करके दिखाती हूँ, चलो अच्छा रुक आना ज़रूरी है। हाँ अब आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये वाली पपाया वाली सनस्क्रीन थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम ले रही है। तो जिन्हें ऐसा लगता है ना कि उन्हें एकदम तुरंत ब्लेंड वाली, तुरंत के तुरंत उन्हें ब्लेंड चाहिए, और उन्हें सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन थोड़ी रनी वाली चाहिए, जेल बेस्ड की, हाँ उन्हें जेल बेस्ड ही चाहिए, तो वो वाटरमेलन और नाइसिनामाइड वाले पे ही जाएं। बाकी इसने भी कोई ऐसा वाइट कास्ट नहीं दिया है, आप देख सकते हो मुझे स्वेट आ रहा है ऑलरेडी, बट वो जो होता है ना सनस्क्रीन लगाने के बाद तो एकदम से स्वेटिंग हो जाती है, वैसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली भी खड़ी हूँ ना बिना पंखे के तो भी स्वेट आएगा मुझे, और अगर मैंने उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाई तो मुझे और भयंकर वाला स्वेट आता है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मतलब मैंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन ट्राई करी है, और जब भी मुझे गर्मी लगती है ना तो ऐसा लगता है कि पसीना जो है अगर मुझे 10% आता है तो सनस्क्रीन की वजह से वो 20% हो जाता है, बट अभी तो लग ही नहीं रहा है कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है। सो गाइज, ओके उल्टा पकड़ लिया।
तो गाइज ये इधर मैंने लगाई थी एक्वालॉजिका की ये पपाया विटामिन सी वाली सनस्क्रीन, इधर मैंने अप्लाई करी थी एक्वालॉजिका की वाटरमेलन और नाइसिनामाइड वाली सनस्क्रीन, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि इसमें वाइट कास्ट कोई नहीं है, और अगर आपको पसीना आ रहा है आप गर्मी में बैठे हो तो भी आपको एक्स्ट्रा स्वेट नहीं देगी। 50 SPF PA++ है, क्योंकि मैं इसे पहले यूज़ ऑलरेडी कर चुकी हूँ 2 से 3 बार, मतलब एकदम कड़क वाली धूप में मैं ये लगा के गई थी, स्टिल मुझे टैनिंग नहीं हुई थी। ठीक है, जो होता नहीं है ना कि जब आप कहीं से बाहर जाके अंदर आते हो तो हल्का सा आपको फेस पे डर्ट और पोल्यूशन वाला वो चीज़ दिखती है, वो तो ऑब्वियसली बात है, इतना तो देखो होगा ही। तो गाइज मैं एक बात बताना भूल गई थी कि मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया था, मैं सिर्फ फेस वॉश करके आगे बैठ गई थी ये वीडियो शूट करने के लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है, इसके अलावा मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। आई थिंक आपको कैमरे में मेरी रियल स्किन दिख रही होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रिव्यू कौन से वाले प्रोडक्ट पे देखना चाहोगे, क्योंकि हम रिव्यूज़ बिल्कुल ऐसे करते हैं लाइव कैमरा के सामने बिना किसी कट के। ठीक है, ओके गाइज, बाय एवरीवन, टेक केयर।